दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल 2021 में धमाकेदार शुरुआत की थी और अपने पहले ही मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स को अपने दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने हराया। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया था और शायद इसी वजह से दिल्ली को अपने दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली कैपिटल्स का अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ 18 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत टीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 के बारे में और टीम में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच में ऋषभ पंत अपनी टीम में स्टीव स्मिथ को शामिल कर सकते हैं। स्टीव स्मिथ को इसी साल पंजाब किंग्स की टीम ने खरीदा है। अभी तक दोनों ही मुकाबलों में स्टीव स्मिथ को मौका नहीं दिया गया था। ललित यादव की जगह स्टीव स्मिथ को टीम में शामिल किया जा सकता है और स्टीव स्मिथ नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर स्टीव स्मिथ के आने के बाद टीम ज्यादा मजबूत होगी। दूसरी तरफ टॉम करण का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। टॉम करण की जगह टीम में उमेश यादव को मौका दिया जा सकता है। उमेश यादव भी इसी साल टीम के साथ जुड़े हैं। टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो पृथ्वी शॉ और शिखर धवन पहले मैच में गजब की फॉर्म में दिखाई दिए थे। हालांकि दोनों का प्रदर्शन दूसरे मैच में उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन दोनों पर ऋषभ पंत भरोसा जताएंगे और तीसरे मैच में खेलने का मौका मिल सकता है। स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, अजिंक्य रहाणे मध्य क्रम को संभालते हुए नजर आएंगे। कैपिटल्स की तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो कगिसो रबाडा, क्रिस बुक्स, उमेश यादव और आवेश खान को मौका मिल सकता है। अभी तक खेले गए दोनों ही मुकाबलों में आवेश खान ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है और आवेश खान इस टीम के लिए तुरुप के इक्के हो सकते हैं। अगर हम पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच में दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा, क्रिस बोक्स, उमेश यादव और आवेश खान को मौका मिल सकता है। आपकी राय में क्या दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स को हरा पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें।